धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले जो सियासी विघ्न बाधाएं खड़ी की जा रही थी, जो नजर आ रहा था, वो सब हवा हवाई साबित हुई हैं। ना ही लालू के लाल की प्राइवेट सेना ने कोई बवाल किया और ना ही तेज प्रताप यादव खुद सामने आए। हालांकि लालू नीतीश की पार्टी के खेमे में बेचैनी जरूर नजर आती है। टेंशन दरअसल इस बात की है, कहीं कहीं नीतीश बाबू का मिशन 2024 में बाबा बागेश्वर के इस कार्यक्रम से सेंध ना लग जाए, क्योंकि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का पटना पहुंचते ही क्लियर मैसेज था। क्लियर मैसेज ये था कि उन्हें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं, वो तो सिर्फ बिहार हिंदुओं की बात करने के लिए आए हैं। बागेश्वर सरकार बिहार में दरबार, हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। पटना में किसकी निकालेंगे पर्ची? नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब, नहीं हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब। हिंदू राष्ट्र की हुंकार, बाबा करेंगे चमत्कार। बागेश्वर सरकार की बिहार की धरती पर नो एंट्री के लिए पिछले 15 दिनों से डायलॉग बाजी का दौर चला। लालू यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने खुद इसका मोर्चा संभाल रखा था। एक प्राइवेट आर्मी भी तैयार की गई, इसका नाम दिया गया DSS, यानी धर्मनिरपेक्ष सेवा संघ। तेज प्रताप की मौजूदगी में इसके कमांडरों को इस बात की ट्रेनिंग भी दी गई कि किस तरह बाबा बागेश्वर की पटना में एंट्री रोकनी है। लेकिन आज जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बिहार की धरती पर कदम रखा तो एयरपोर्ट पर भी फूलों की बारिश हुई। क्या मंत्री क्या संतरी, हर कोई उस पल के इंतजार में खड़ा है कि कब सरकार आएंगे। अगवानी के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के कई सांसद और विधायक हवाई अड्डे पर मौजूद थे। देखिए, मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री और हिंदुत्व के मुद्दे पर बेपाक विचार रखने वाले ये गिरिराज सिंह एयरपोर्ट के अराइवल एरिया में बाबा बागेश्वर से मुलाकात के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का एयरपोर्ट पर पाग और शॉल से स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर भक्तों का इतना हुजूम उमड़ा कि लालू यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव की विघ्न बाधा खड़ी करने की मंशा धरी की धरी रह गई। उनके धर्म निरपेक्ष सेवा संघ यानी DSS के कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट पर फटकने की हिम्मत तक नहीं हुई। बाबा भी भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती पर हुए स्वागत से इतने अभिभूत हुए कि कह दिया कि उनकी आत्मा बिहार में बसती है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया, वो हिंदू मुस्लिम करने नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बात करने आए हैं। आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है, सच बताएं। यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं, बिहार में अब बाहर है, बिहार में बाहर है। बाबा, अगर बिहार में अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। अर्जेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब। धन्यवाद बाबा। अच्छा हम चले बाबा, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कल हम आ गए ना पागलो, तैयारी करो हम आ गए। हिंदू राज्य के बात पर यहाँ पे बहुत ही राजनीति हो रही है बिहार, जो राजनेता नहीं है। धन्यवाद, ठीक है चलो बाबा। यहाँ भी सनातन धर्म और हिंदू, हनुमंत चरित्र सनातन धर्म और हिंदू की बात ही है। पटना एयरपोर्ट से बाबा बागेश्वर सीधे निकल पड़े उस होटल की ओर जहां उन्हें विश्राम करना था। उनकी गाड़ी की स्टीयरिंग भी बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के हाथों में थी। देखिए किस तरह से इसी गाड़ी में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर मौजूद है। इसी गाड़ी में जो फ्रंट सीट है वहां पर वो मौजूद है और लगातार लोगों का अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे थे। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद रखी गई और वो तस्वीर आप देखिए पटना एयरपोर्ट से, इस तरह से बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और वो अब यहाँ से पटना एयरपोर्ट से आगे निकल रहे हैं। जब सड़क पर सरकार ही पधारे तो पटना की सड़कों से ट्रैफिक मानो बाबा के काफिले को रास्ते देने के लिए गायब हो चुका था।
काफिला चिरैया टांड पुल से होते हुए पटना के मशहूर महावीर मंदिर के पास से निकला। एयरपोर्ट से बाबा बागेश्वर सीधे पहुंचे पनाश होटल। यहां पहले मौजूद समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। खास बात यह कि इस होटल के मालिक भी बाबा बागेश्वर के अनन्य भक्त हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 17 मई तक इसी होटल में रुकेंगे। जाहिर है ऐसे में यहां सुरक्षा बंदोबस्त भी तगड़ा है। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच गए हैं और पटना के इसी होटल में आप जो देख रहे हैं पनास, यहां पर वो रुके हुए हैं और यहीं से वो यहां से जो करीब लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो जहां पर इनका कथा होना है तरेतपाली, वहां पर वो जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर होटल में वो विश्राम कर रहे हैं और यहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो यहां पर भी पहुंचे हैं। उनसे एक झलक उनको देखने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में आप देखिए लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। पटना के पास नौबतपुर में यही वो भव्य पंडाल है जहां बाबा का हनुमंत कथा शुरू हो चुका है। अगले 5 दिनों तक भक्तों से 1-on-1 रहेगा। भक्तों के मन पड़ेंगे, उनके भागियों की पर्ची निकालेंगे और इसी इंतजार बिहार के कोने कोने से श्रद्धालु इस पंडाल में इकट्ठा हैं। कोई राजगीर से आया है तो कोई नेपाल से, कोई प्रभुराम की नगरी अयोध्या से, हर कोई बाबा बागेश्वर को अपनी पीड़ा बताकर उससे छुटकारा पाना चाहता है। लोगों के अंदर उत्साह कैसा है नौबतपुर में, आप जरा ये पीछे तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोगों के अंदर उत्साह कैसा है। यहाँ पर जय श्री राम की गूंज आपको सुनाई देगी। तो एक कह सकते हैं कि दिव्यता भव्यता का समागम यहाँ पर हुआ है। दिव्य माहौल है और बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर कहा जा सकता है। दूर दूर तक जो लोग यहाँ पर आए हैं और दूर दराज इलाकों से कई दिनों से जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उनके अंदर जोश कम नहीं हुआ, उनके अंदर जज्बा बिल्कुल कम नहीं हुआ। अलग अलग कलाओं के साथ यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश बिहारी। अविनाश जी कहाँ से हैं आप? मोतिहारी। अच्छा, तो क्या भजन गाते हैं? जी गाइए जरा। तो जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हिंदुत्व की अलख जगाने वाले बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री के साथ ही सियासी पारा भी हाई हो गया है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने से पहले ही तेज प्रताप यादव बकायदा धमकी दे चुके थे कि बिहार में हिंदू मुस्लिम किया तो एंट्री नहीं मिलेगी। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। लेकिन आज लालू के लाल भले ही साइलेंट हो लेकिन आरजेडी के नेताओं की बदजुबानी जारी है। नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र राज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी कहने से बाज नहीं आ रहे हैं। आरजेडी के नेताओं की इसी बेचैनी की वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र राम ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के लिए क्या कुछ कहा। बाबा बागेश्वर जो है वो जो है धर्म विरोधी बाबा हैं, वो सनातन विरोधी बाबा हैं, वो ढोंगी बाबा हैं, वो जो चमत्कार कहते हैं कि हम यहाँ चमत्कार होता है और बजरंग बली बली जो महावीर जी का जो नाम लेकर के जो वो चमत्कार वो दिखाते हैं और सारा जो है वो चमत्कार जो कहते हैं वो सारा सर झूठा है। यहाँ आ रहे हैं आइए, लेकिन जो आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे जो है लोगों को लड़ाने की बात जो बोलेंगे इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम पहले भी बोल दिए हैं कि आप जो है हिंदू धर्म
हमारे जो है ये धर्म को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी सनातनी लोग हैं। दरअसल लालू नीतीश की पार्टी के नेताओं की बौखलाहट बागेश्वर सरकार के उस मिशन से है जिसमें वो हिंदू स्वाभिमान की बात करते हैं। जिस तरह से बीजेपी के नेता आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साये की तरह दिख रहे हैं, उससे उन्हें 2024 में बड़ा सियासी नुकसान का खतरा दिख रहा है। बाबा के बिहार दौरे से 2024 में क्या कोई चमत्कार होगा, पूरा गुना भाग आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये सुनिए बागेश्वर सरकार के बिहार आगमन का विरोध करने वालों को बीजेपी ने किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया। सनातन का प्रचार करते, क्या ये पाकिस्तान जाके प्रचार कर रहे हैं जो अनुमति चाहिए? अगर भारत के अंदर भी कोई थ्रेट देता है, कोई प्रचार रोकने की कोशिश करता है तो ये कहाँ जाए? मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मक्का मदीना जाए, पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए? मैं थ्रेट देने वालों को भी कहना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल तेरी बारी भी आई। बिहार की संस्कृति किसी के भी कथा का या किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। वो जितनी बातें कह रहे हैं सब अपनी आस्था और धर्म की बातें हैं। सभी को अपने धर्म का बात कहने का अधिकार है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना भी जरूरी है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो करते हैं। 2024 के सियासी नफा नुकसान की बात करने से पहले 2014 के नतीजों की बात जरूरी है। सिर पर न कांग्रेस का हाथ था, न राहुल, न लालू के लालटेन की रोशनी। बिहार में बीजेपी को मात देने अकेले मैदान में नीतीश कुमार थे। नतीजे आए तो नीतीश बाबू के पांव तले जमीन खिसक गई। बिहार में 40 सीट में बीजेपी 22, आरजेडी 4, जबकि जेडीयू 2 सीटें मिली। पोल पंडितों ने दावा किया कि जेडीयू और आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की वजह से ये नतीजा आया। और अब 2024 में बाबा बागेश्वर की वजह से लालू नीतीश की पार्टी पर फिर से राहु हावी दिख रहा है। वजह समझने के लिए आपको इस ग्राफिक्स को गौर से समझने की जरूरत है। नीतीश और लालू की पार्टी 2024 का फॉर्मूला है दलित 15%, यादव 14%, कुर्मी कोइरी 7%, मुस्लिम 15%, यानी 51%, और 2024 में जीत की गारंटी। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि नीतीश कुमार की जाति जनगणना करवाने का मकसद अपने वोट बैंक को इनेक्ट करने का, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। बावजूद इसके नीतीश कुमार अपने 2024 के फॉर्मूले को लेकर इतना निश्चिंत हैं कि वो अगले साल लालू के लाल तेजस्वी को बिहार का राजपाट सौंप कर दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की चिंता छोड़ पूरे देश में विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। कभी लखनऊ में नीतीश दिखते हैं तो कभी बंगाल में ममता दीदी के साथ उनकी तस्वीरें मीडिया में आती हैं। मुंबई में शरद पवार उद्धव के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो दिल्ली में केजरीवाल के घर जाने से परहेज नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के मिशन 2024 पर बाबा बागेश्वर का बिहार दौरा संकट खड़ा कर रहा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर का फॉर्मूला एकदम क्लियर है। बिहार के दलित, ओबीसी, स्वर्ण यानी 80% से ज्यादा सभी हिंदू हैं। और अगर बाबा बागेश्वर का ये फॉर्मूला चल जाता है तो हिंदू के नाम पर जाति की दीवार टूट जाती है, तो आजादी के 75 साल बाद बिहार को कास्ट पॉलिटिक्स से निजात मिल जाएगी और इसका सीधा फायदा उसी पार्टी को होगा जो बाबा बागेश्वर सरकार के बेहद करीबी है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के इस संदेश से साफ भी हो जाता है, नहीं हम तो हिंदू हिंदू करते हैं, नहीं हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। अब आपको एक बार फिर बाबा बागेश्वर के दरबार में लेकर चलते हैं। उनके दरबार में हाजिरी लगाने वाले भक्तों में हिंदू ही नहीं कई मुस्लिम भी हैं, व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना में है और पटना के इसी होटल में वो रुके हुए हैं और यहाँ पर एक मुस्लिम महिला पहुंची है जो कि उनसे मिलना चाह रही है। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी। आप आए बाबा से मिलने? हाँ। अच्छा, क्या क्या बात हुई है? आप मुन्नी से बोलेंगे जो मुझे घर में समस्या है, हमें कुछ योग कही ना क्या कि आप उनसे बोलिए समस्या आपका दूर हो जाएगा। तो मुस्लिम होके आप आई हैं, क्या कहेंगे इसमें? इसमें कहेंगे मुन्नी के यहाँ समस्या, मुन्नी जी खुद बात करेंगे। आपको आस्था है इन पे क्या? अभी आस्था तो हम सुना है बहुत आदमी से, तो देखते हैं बात करके। अच्छा, तो हिंदू धर्म गुरु है, आप मुस्लिम है, क्या आपको कोई परहेज नहीं है? लोगों ने कुछ मना नहीं किया आपको? परहेज तो है, लेकिन परहेज क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाता कि नहीं जाता आदमी तब। वैसे पटना के पास बाबा बागेश्वर का दरबार सजा हुआ है, 5 दिनों में यहाँ 5 लाख
ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा है। जाहिर है जब तक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में रहेंगे तब तक नीतीश लालू की पार्टी के नेताओं के दिल की धड़कनें तेज रहेंगी। पटना से